नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और अभी हम मौजूद हैं लखना उत्तरी पश्चिमी पंचायत में, जो प्रखंड पुनपुन में पड़ता है। और हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया प्रतिनिधि राम प्रवेश चौधरी जी और यहां के मुखिया हैं आरती देवी जी। और हम चलिए हम आपको यहां के बारे में बताने जा रहे हैं इनके ही जुबानी, और जानते हैं कि कितना कार्य हुआ, कितना विकास हो पाया दो सालों में, कितनी योजनाओं को धातल पे लाए, कितनी कागजी घोड़े दौड़े और कितनी योजनाओं को लेकर इनको समस्याओं से रूबरू होना पड़ा। इन सारे चीजों पर भी हम इसे चर्चा पर चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आला अधिकारियों लेके माननीय मुख्यमंत्री से लेके पंचायती राज मंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आखिर पुनपुन प्रखंड के उत्तरी पश्चिमी पंचायत में कितना, लखना उत्तरी पश्चिमी पंचायत में कितना कार्य हुआ है और कितना विकास हो पाया है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरे पंचायत को लेकर कि कितना कार्य, कितना विकास और कितनी समस्याओं से रूबरू हुए हैं। मुखिया प्रतिनिधि नेशन 24 मानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। सर, पहला सवाल है कि पहली बार जीत हासिल हुई है जनता के बीच में और कितना कार्य, कितना विकास हो पाया और कौन कौन सी समस्या आ रही है? समस्या तो हम लोग जनता के बीच रहते हैं तो समस्या ही समस्या है। ऊपर विधायक जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उधर तो समस्या नहीं रहता है, लेकिन हम लोग जनता के नजदीक रहते हैं तो सब समस्या है। जितना भी कमियां है जो हम ही लोग के पास पाता है, पैसा आप सरकार उतना देती नहीं है, नल जल में समस्या है तो समस्या है। सब जगह नल जल का स्थिति बदतर है। मनरेगा में पैसा आता है तो 6 महीना साल भर पैसा आता है, उसमें भी दिक्कत होता है मुखिया के। पक्का वर्क में भी है तो उसमें दिक्कत है, सब 15वीं से काम होता है तो वही दिक्कत है। लेबर के पास पैसा जाता है, पैसा लेबर निकाल के देता नहीं है, वो 50% मिला 50% जब खा जाता है पैसा, जिसके पास दूसरा खाते में पैसा जाता है तो उससे हमें कौन लाभ है? तो निकाल के दिया तो दिया, नहीं दिया तो काम खत्म है। यही सब है, दिक्कत है। जल नल योजना की क्या स्थिति है? जल नल योजना बढ़िया ढंग से नहीं चल रहा है, बहुत जगह रिपेयरिंग करने का आवश्यकता है। बहुत जगह हमारा पंचायत में टूटा हुआ है, उसको रिपेयरिंग चाहिए, लेकिन पैसा के अभाव में नहीं हो रहा है रिपेयरिंग। सोखता का निर्माण हुआ है? सोखता का निर्माण हुआ है, हम लोग मनरेगा से करवाए थे। अच्छा, मनरेगा से क्या क्या कार्य हुए? मनरेगा से मिट्टी का कार्य हुआ है, कुछ सोखता करवाए हैं, अभी दो काम करवाए हैं। अभी योजना में लिया गया है, पीसीसी पेपर ब्लॉक का काम होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना जो महत्वाकांक्षी योजना है गरीबों के लिए, इस पे क्या काम हुआ और कितने लोग, तो पुराने लिस्ट के अनुसार कितने लोग तक मिला और कितने बाकी है? अभी तक बिहार सरकार या केंद्र की सरकार हो, हम लोग से अभी तक लिस्ट नहीं मांगा गया है। और बहुत पहले का ही पुराना लिस्ट है, 61 को आया था, उसमें पेमेंट हो रहा है, बाकी तो हम लोग को पेमेंट 2 साल हो गया, पेमेंट ही नहीं हुआ अभी। उसमें भी भ्रष्टाचार है, सब जाएंगे तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी पेमेंट हो जाए तो फिर दूसरा, हम लोग को अभी तो लिस्ट भेजबे नहीं किया है। अब जनता इसलिए रोज के सब जनता तो ये कहता है कि ध्यान दीजिए, ध्यान देना तो हूँ, ध्यान ना दे हूँ, बस सब ध्यान ही खोदता है, बस इंदिरा आवास है, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए उसको। क्या कारण है इंदिरा आवास के पीछे क्यों परेशान है? इंदिरा आवास के पीछे परेशान नहीं चलते है, परेशान है कि उन लोग को एक के तुरी 1-1.5 लाख रुपए आमदनी मिल जाता है जी। मकान बने या ना बने, खाता पर सब रिकॉर्ड पर शुरू हो जाता है पैसा, 50%, 20%, 30% मैनेज हो जाता है, सब बिचौलिया पैसा ले लेता है, बाकी मिलता है अपना फ्री का मिल गया उसको पैसा। कमीशन खोरी हो रहा है? हाँ, कमीशन खोरी हो रहा है। ब्लॉक स्तर पे भी है? ब्लॉक स्तर पर भी है, ब्लॉक तो लेवे रहा, ब्लॉक तो सब कमीशन लेता है, बिना कमीशन कहाँ कुछ काम होता है। मुखिया जी के हर योजना पर, चाहे जितना भी सरकारी योजना, उससे कमीशन होता है सब टोटल, मनरेगा से लेकर 15वीं कस्टम सब जो है, सब सब लोग हैं ऐसे लोग, सब ब्लॉक स्टाफ लेवे करते हैं, टोटल लेते हैं, टोटल ब्लॉक स्टाफ लेते हैं। चलिए मुखिया जी जो है स्पष्ट तौर से बता रहे हैं कि किस तरह से कार्य होता है, किस तरह से योजना का कमीशन मुखिया जो ब्लॉक स्तर पे लोग लेते हैं, बच्चे लेते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या और कोई भी योजना हो, इस कारण से जो है पैसा सही ढंग से पंचायत में पहुंच नहीं पाता है, जिसका खामियाजा जो है ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है, मुखिया जी को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए मुखिया जी को भुगतना पड़ता है क्योंकि जब सही ढंग से पैसा नहीं आएगा तो मुखिया जी उतना विकास नहीं कर पाएंगे, उतना पैसा नहीं लगा पाएंगे, और जब नहीं लगेगा तो यही ग्रामीण इनको बोलेंगे कि आखिर मुखिया जी ने कमीशन खा लिया या मुखिया जी पैसा रख लिए और पूरा काम नहीं किए, जबकि समस्या कहीं और है, दिखता कहीं और है। अगला सवाल है मुखिया, क्या लगता है ग्राम स्वराज योजना जो गांधी जी का सपना था वो पूरा हो रहा है या सब चला गया हवा में? कागज पर पूरा हो रहा है, कागज पर पूरा हो रहा है। हमको अभी पंचायत सरकार भवन जी काम लगा हुआ है जी, अभी तक हम लोग को पैसा नहीं मिला है जी,
नीतीश बाबा बोलते हैं कि पैसा सबको भेज दिया गया, पैसा भेज दिया गया। अभी 5 महीना से हम लोग का पैसा एमबी तेमबी सब करके कहाँ को पैसा मिल रहा है। पंचायत सरकार भवन अभी अधूरा है, नहीं किया है, रुआ हुआ काम, पैसे के अभाव, पैसे के अभाव में काम बंद है। ये आपको पता है कि वो योजना अब चला गया है एजेंसी के पास? वो पहले वाला तो योजना जो था हम लोग को जो चालू है मुखिया के ब्लॉक में आ रहा है, हाँ पहले वाला, जो नया जो नीतीश बाबू अलाउ किया है वो पैसा तो एजेंसी के द्वारा ही है, जो बाकी जो पुरनका जो है पंचायत सरकार भवन, पुरनका पंचायत सरकार भवन जो बनने का पैसा का राशि प्रकाशित राशि हुई है वो कितना है? वो था 1,23,00,000 है, लेकिन जीएसटी वगैरह सब काट उट के शायद करना था 1,14,00,000 के, 1,14,00,000 है। और आपको पता है अब एजेंसी को गया है तो कितना गया है? एजेंसी वाला जो काम होगा उस लगभग 2,00,00,000 के आसपास गया है, और हम लोग को पुराना है जो है 18-19 में इसका जो एस्टिमेट बना उसमें, और आज में अगर मिलाया जाए तब करीब करीब 20% का भाव बढ़ गया है सब चीज सामान का, लोहा का बढ़ गया, छर्री का बढ़ गया, बालू का बढ़ गया, ईंटा का बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गया, 20% बढ़ गया भाव सब चीज का। मुख्य समस्या के तौर पे क्या इस पंचायत में है जिससे आपको रूबरू होना पड़ रहा है? मुख्य हमारा पंचायत में सबसे समस्या कारण है कि जो पैसा नहीं आता है, जल्दी काम नहीं हो पाता है, पैसे का भाव है, पैसा का भाव, हर योजना रुका हुआ है। हाँ हर योजना में काम बढ़िया से काम होता है, अधिकारियों से पैसा मनरेगा में होता है तो उसी है, 15वीं में है उसी है, सब ब्लॉक का स्टाफ है, 15वीं में काम कीजिए तो सलसल पेमेंट नहीं होता है, कैसे काम होगा आखिर, कितना पैसा लगावेगा? क्या कहना चाहिएगा माननीय मुख्यमंत्री से? माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहें कि जो 15वीं वित्त योजना जो है हम लोग को पेमेंट में समस्या जो है इसको बढ़िया से मैंने सहज रूप से पेमेंट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, काम होते रहेगा, लेकिन साल से भर पेमेंट नहीं होता है 15वीं से, पैसा कहाँ से मुखिया लगा सकता है, अपना पैसा थोड़ी है नली गली आसान बात है। चलिए क्या आप कहना चाहिएगा मतलब कि हमारे अपने जनता को यहाँ के आवाम को, क्योंकि जैसे कचरा प्रबंधन है, डस्टबिन है, ये सब चीजें जब आएगी, जैसे जनरल में 1-1 रुपया लेना था जो नहीं मिल पाया, कचरा प्रबंधन में भी अब 1-1 रुपया लेना है, ये लगता है कि यहाँ की आवाम यहाँ की जनता 1-1 रुपया देगी? सरकार का योजना तो फ्लॉप रहवे करता है, ये सब जो नल जल योजना जो चला ये भी फ्लॉप योजना है, सरकार एकरा में दुनिया भर का पैसा कमीशन खाता है, सरकार का अफसरशाही राज है, सब कमीशने पर है, इससे अच्छा था कि गांव में जितना एक वार्ड में 16-17 लाख का जो योजना चलाई, बड़का बड़का जो कल आता है हथिया कलवा वो वाला अगर गाड़ देते तो ज्यादा इसे बेहतर था, हाँ ज्यादा बढ़िया था वो, लेकिन सरकार का इतनी है कौन कुछ पता चलता है सरकार जी है। क्या लगता है आपको, आप लोग अब मुखौटा हो गए हैं या रबर स्टाम्प हो गए हैं? सरकार का तो हम लोग रबर स्टाम्प ही है, कुछ काम होगा तो हम लोग बाट मुखिया के पकड़ो और सब काम कराओ, उसका है कुछ नहीं, अपना मन से कुछ नहीं कर सकते, अभी तक हम लोग को 2 साल हो गया, अभी तक कहाँ तक इंदिरा आवास की सूची लिया है, हम लोग मांगवे नहीं किया तो किसको दिक्कत दे रहे, जनता बेचारा ओसा ओसा है अभी, जिसको रहने के लिए छत नहीं है, रहने के लिए बढ़िया जमीन नहीं है, घर नहीं है, और वो तंग करता है कहाँ से दें उसको। चलिए तो मुखिया प्रतिनिधि हैं राम प्रवेश चौधरी जी, जो यह स्पष्ट विभाग ढंग से सारी योजनाओं की बातें हमसे किए हैं, कैसे कितना काम होता है, कितना विकास होता है, कैसे योजनाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कैसे कमीशन खोरी है इंदिरा आवास में ब्लॉक में, ये सारे चीजों पर भी चर्चा परचर्चा हम कर रहे थे, और अपने माध्यम से आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री से लेकर पंचायती राज मंत्री तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और जताने का काम कर रहे हैं कि देखिए कि किस हालात में इन मुखिया जी लोगों को काम करना पड़ रहा है और क्या हालात है पंचायत का और कैसे विकास की बातें कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का सपना था, गांधी जी का सपना था कि हर हालत में जो है स्वराज, ग्राम स्वराज जो है बनके हर पंचायत दिखे सामने में। मुख्यमंत्री जी हमेशा घोषणा करते रहते हैं कि ये सारे योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे जिससे कि एक बेहतर पंचायत के रूप में सामने आए, पर उनके ही कलिंदे उनके ही लोग जो है उस सपना को धूमिल करते रहते हैं, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो बिचौलिए हों, चाहे वैसे लोग हों जो इस पर काम नहीं करना चाहते, एक पर मुखिया जी लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, जो योजनाएं आती है उसको धरातल पे लाने का काम करते हैं, उसे विकास पे लाने का काम करते हैं, जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, और इस उम्मीद से करते हैं कि आगे चल के स्वस्थ स्वस्थ और बेहतर पंचायत के रूप में इनका पंचायत भी लखनपुरा उत्तरी पश्चिमी भी सामने आएगा और लोग इनको सराहेंगे भी कि ये पंचायत में अच्छा और बेहतर विकास हुआ है। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़, नमस्कार।